आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। 85 चिल्ड्रन वेंट टू एन एम्यूजमेंट पार्क वेयर दे कुड राइड ऑन मैरी गो राउंड, रोलर कोस्टर एंड फेरिस व्हील। तो एंड इट वॉज नोन दैट 20 ऑफ देम टुक ऑल द थ्री राइड्स एंड 50 ऑफ देम हैव टेकन एट लीस्ट टू ऑफ थ्री राइड्स। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं कि इनमें क्या दे रखा है कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने तीनों राइड की हैं और 55 ऑफ देम हैव टेकन एट लीस्ट टू ऑफ थ्री राइड्स, मतलब 55 टोटल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों में से कम दो की हैं, मतलब दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम उन्होंने दो राइड की हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वेन डायग्राम में कि तीन पार्ट तीनों डिवाइड कर लेते हैं कि राइड कितनी थी। तो तीन राइड थी तो पहले को हमने एम से डिनोट कर लिया, दूसरे को आर से रोलर कोस्टर और तीसरे को हमने एफ से डिनोट कर लिया, ये हो गए फेरिस व्हील के लिए। अब क्या करते हैं कि सिर्फ इनको पार्टीशन कर लेते हैं। ये जो हमने ओवरलैपिंग दिखाई बीच में, ये सिर्फ ओवरलैपिंग उस लिए है ताकि वो बच्चे जो मतलब एम की राइडिंग भी करते हैं और आर की राइडिंग भी करते हैं, इसलिए उन दोनों का शेयरिंग पार्ट है ये। इसी तरह से जो ये वाला शेयरिंग पार्ट है ये क्या है, उन बच्चों का है जिन्होंने एम की राइडिंग भी की है और एफ की राइडिंग भी की है। ये शेयरिंग पार्ट उन बच्चों का है जिन्होंने आर की राइडिंग भी की है, रोलर कोस्टर की और फेरिस व्हील दोनों की राइडिंग की है। अब जो बीच वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास, ये उन बच्चों का है जिन्होंने तीनों टाइप की राइडिंग की कर रखी है, मतलब एम की भी, आर की भी और एफ की भी। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट डिनोट कर लेते हैं। सपोज 85 में से उन्होंने ए बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एम की राइडिंग की, ओनली एम की राइडिंग की है, मतलब इन ए बच्चों का इसमें से इंक्लूजन नहीं है, ये सिर्फ ए सेपरेट बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ एम की राइडिंग की है। उसी तरह से जो आर में है तो हमने इन बच्चों को डिनोट कर लिया बी से, मतलब बी क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ आर की राइडिंग कर रखी है। और सी हमने डिनोट कर लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ एफ की राइडिंग कर रखी है, ठीक है। अब जो ये वाला उसने क्या बोल रखा है कि 20 ऑफ देम टुक ऑल थ्री राइड्स, तो 20 कौन से होंगे, इस वाले पार्ट में होंगे 20 जिन्होंने तीनों टाइप की राइडिंग कर रखी है। अब क्या है कि 55 ऑफ देम हैव टेकन एटलीस्ट टू ऑफ देम थ्री राइड्स, ठीक है। तो चलो पहले इस पोर्शन को हमने नाम दे दिया, सपोज एक्स, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया और ये हमारा जेड हो गया। मतलब एक्स क्या है, वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने एम की राइडिंग भी की है, आर की राइडिंग भी की है। वाई क्या है, वो सारे, इसको हम अलग से लिख देते हैं, ये एक्स है, ये पोर्शन जेड है और ये पोर्शन वाई है। तो और ये वाई क्या है, वो उन बच्चों का कॉम्बिनेशन है जिन्होंने एम की राइडिंग भी की है और एफ़ की राइडिंग भी की है। जेड क्या है, उन बच्चों, वो टोटल बच्चे हैं जिन्होंने आर की राइडिंग भी की है और एफ़ की राइडिंग भी की है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक्स वाई जेड जो बच्चे हैं इन्होंने दोनों राइडिंग की है। तो वही तो बोल रहा है इसमें कि 55 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों टाइप की राइडिंग की है कम से कम, ठीक है। तो मतलब ये 20 वाला भी हम इंक्लूड करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 20 टोटल कितने हो जाएंगे, 55 के बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जिन्होंने कम से कम दो राइडिंग की है वो और जो दो से ज़्यादा की है उन सब को मिलाकर के टोटल कितने बच्चे हैं, 55 बच्चे हैं। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 55 में से 20 माइनस कर देंगे तो आ गई इनकी वैल्यू 35। अब उसके बाद क्या है कि उन्होंने क्या बोला है अगले क्वेश्चन में कि ईच राइड कॉस्ट 1 रुपी, हर एक राइड की कॉस्ट कितनी है, 1 रुपये है। एंड द टोटल रिसिप्ट ऑफ द एम्यूजमेंट पार्क इज 145 रुपये, और टोटल जो है कोई भी राइड लो सबकी कॉस्ट 1 रुपीज है, और टोटल एम्यूजमेंट पार्क की कितनी इनकम कितनी आई, 145। मतलब वो सारे बच्चे जिन्होंने राइडिंग की है वो सारी राइडिंग का कलेक्शन कितना है, 145 रुपये। तो देखते हैं राइडिंग हुई कितनी है, तो इसको हम सेकेंड कंडीशन नोट कर लेते हैं। तो पहले तो वो बच्चे हम ले लेते हैं जिन्होंने सिर्फ सिंगल राइडिंग की है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इन्होंने सिर्फ एक एक राइडिंग की है। अब जो एक्स वाई जेड है इन्होंने दो बार राइडिंग की है, तो जब दो बार राइडिंग करेंगे तो इनमें डबल चार्ज लगेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, दो कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। क्यों दो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दो बार राइडिंग की है। अब जो ये 20 है बीच वाला, इसने क्या किया, इसने तीन बार राइडिंग की है, क्योंकि ये 20 क्या है, ये m की भी राइडिंग करते हैं, r भी राइडिंग करते हैं, f भी राइडिंग करते हैं, तो इसलिए 20 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली क्या होगा, जिन्होंने एक बार राइडिंग की उसमें 1 का मल्टीप्लाई, जिन्होंने दो बार राइडिंग की उसमें 2 का मल्टीप्लाई, जिन्होंने 3 बार राइडिंग की उसमें 3 का मल्टीप्लाई, और टोटल हमारे पास कैलकुलेशन कितना आता है, 145 रुपीज, ये हमारे पास टोटल इनकम आई है अम्यूजमेंट पार्क की। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एक्स वाई प्लस जेड की, तो ये वैल्यू कितनी थी,
ये है 35, सो 2 इंटू 35 प्लस 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू 145। इसको हम उधर ले जाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 145 माइनस, ये 70 प्लस 60 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 130। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गई 15। तो अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी भी निकल आया और ये वैल्यू भी निकल आई। इसको इक्वेशन 1 डाल दें, इसको इक्वेशन 2 डाल दें। तो अब हमको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है कि कितने बच्चों ने सवारी की कोशिश नहीं की, हाउ मेनी चिल्ड्रंस डिड नॉट ट्राई एनी ऑफ द राइड। तो 85 में से वो सारे बच्चे घटा देंगे जिन्होंने राइडिंग की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डिड नॉट एनी वन ऑफ द राइड, यही क्वेश्चन है ना। हाँ, हु डिड नॉट ट्राई एनी ऑफ द राइड, सो हु डिड नॉट ट्राई एनी राइड, जिसने एक भी राइड जो है ट्राई नहीं की है। तो टोटल बच्चे कितने थे, 85 थे। अब वो सारे बच्चे हम घटा देंगे जिन्होंने राइडिंग की है, तो ये क्या हो जाएगा, 85 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 20, यही तो है टोटल बच्चे। इसमें देख लेते हैं, इसमें ए प्लस बी प्लस सी सिंगल राइड वाले, एक्स वाई जेड ये क्या है डबल राइड वाले, और 20 ये ट्रिपल राइड वाले। तो यही टोटल बच्चे हैं जिन्होंने राइडिंग की है, और टोटल बच्चे हैं कितने, 85 जो क्वेश्चन में दे रखा था। तो 85 माइनस, हमने सारे बच्चे माइनस कर दिए, तो 85 माइनस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो यहाँ पे हम 15 पुट कर देंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 20 की वैल्यू कितनी है पहली इक्वेशन में, ये हमने निकाली कितनी है, 55 दे रखा था, तो इसकी जगह पर हम 55 पुट कर देंगे। तो टोटल कितना आ गया ऐड इनका, 70। सो 85 माइनस 70 कितने बच्चे बचे, 15। तो मतलब 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक भी राइड नहीं की, तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।